हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के होते हैं दो पोल, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो नॉर्थ पोल को आप बोलते थे पॉजिटिव पोल, साउथ होता है आपका नेगेटिव पोल। तो ये दो पोल मिलके एक डायपोल क्रिएट करते थे और उसका होता था डायपोल मोमेंट इज द पोल स्ट्रेंथ। किसी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी पोल, दैट इज मैग्नेटिक लेंथ बिटवीन दी पोल्स। उसके बाद हमने देखा था ड्यू टू दैट डायपोल और बार मैग्नेट एक्सियल पॉइंट में क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है और जनरल पॉइंट में क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उसी को ही यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि उसी एक मैग्नेट को अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो हेडिंग दो, मैग्नेट इन ए एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सपोज ये हो गया आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बी, एक मैग्नेट को यहां पे रख दो, ये हो गया सपोज नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल इज योर पॉजिटिव पोल, पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, ये हो गया आपका माइनस एम। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। तो ये है आपका प्लस एम, तो इसमें जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड और अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका फोर्स। और ये जो फोर्स होगा नॉर्थ पोल में जो फोर्स होगा वो क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एंड मैग्नीट्यूड इज एम इन टू बी। एम इज द पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ, B is your magnetic field, तो force हो गया आपका MB। Similarly यहाँ पर देखो North pole था इसलिए इसका जो force होगा वो क्या होगा along the direction of magnetic field, but South pole में क्या होगा opposite to direction of magnetic field। और यहाँ पर भी क्या होगा force is equal to M into B, दोनों का magnitude same है। देखो दोनों का magnitude same है, direction opposite है। If two force acting इन ऑपोजिट डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे होगा आपका नेट फोर्स जीरो। ठीक है, देखो इंडिविजुअल फोर्स हो रहा है, नॉर्थ पोल में भी फोर्स लगेगा, साउथ पोल में भी फोर्स लगेगा, लेकिन नेट फोर्स क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। तो यहाँ पे देखो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, मीन्स एक ही लाइन से पास हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों फोर्स एक ही लाइन से पास हो रहे हैं तो इस केस में जो टॉर्क होगा नेट टॉर्क वो भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये हो गया आपका केस वन। केस वन में क्या है आपका, इफ मैग्नेट इज प्रेजेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ मैग्नेट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क हो गया आपका जीरो। ठीक है, नोट डाउन। अब देखो केस टू, केस टू, लेट सपोज मैग्नेट इज प्रेजेंट एट एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, ये है आपका मैग्नेट, ये है आपका नॉर्थ पोल दैट इज योर प्लस एम और ये है आपका माइनस एम। तो प्लस एम दैट इज योर नॉर्थ पोल, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो क्या होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स यहाँ पे लिखोगे एफ इज इक्वल टू एम बी। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स होगा वो होगा ओपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ऑल्सो एम बी। इफ दिस एंगल इज थीटा देन यू कैन से दिस एंगल ऑल्सो थीटा। नाउ टेक कॉम्पोनेंट ऑफ दिस एम बी एलोंग द मैग्नेट एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेट। तो अगर मैं एलोंग द मैग्नेट इसका कंपोनेंट लूँ तो ये होगा आपका एम बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका एम बी साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट लूँ तो ये एंगल भी आप होगा आपका थीटा, तो ये कंपोनेंट हो गया एम बी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होगा एम बी साइन थीटा। तो यहां से ध्यान से देखो नेट फोर्स राइट साइड है, यहां पे नेट फोर्स
लेफ्ट साइड है तो नेट फोर्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स यहाँ पे भी हो जाएगा आपका जीरो। नेट फोर्स हो गया यहाँ पे जीरो। बट यहाँ पे देखो ड्यू टू एमबी कॉस थीटा, एमबी कॉस थीटा, ये एमबी कॉस थीटा इसी लाइन से पास हो रहा है तो उसके लिए कोई भी टॉर्क नहीं होगा, लेकिन ये एमबी साइन थीटा, ये जो एमबी साइन थीटा है ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेट। तो ये देखो ड्यू टू दिस फोर्स, क्या ये फोर्स इस मैग्नेट को इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा, और ये जो एमबी साइन थीटा, ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस मैग्नेट को इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है उसका मतलब क्या है, टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क होता क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे टॉर्क क्या लिखोगे, टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स है क्या, एमबी साइन थीटा, एमबी साइन थीटा एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा, एल एम, इट इज योर मैग्नेटिक लेंथ। तो अब देखो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू एम इंटू एल एम, एम इंटू एल एम क्या होता है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज योर एम, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है। तो ये है क्या, टॉर्क एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान दो, टॉर्क होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, और क्या है ये एम बी साइन थीटा, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एम बी साइन थीटा। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा कैन बी रिटन एज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, नोट डाउन। देखो यहां पे अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक डायपोल से, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में वहां पे आपका टॉर्क होता था, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी इज योर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे पी हो गया आपका एम, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला नियरली सेम होता है, ठीक है। तो टॉर्क हो गया आपका एम क्रॉस बी। तो अब देखो यहां पे सपोज दिस वन इज योर मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया आपका एक मैग्नेट, मैग्नेट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल, इट इज योर नॉर्थ पोल प्लस एम, साउथ पोल माइनस एम। तो इस केस में नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसको आप बोलते हो कि ये आपका भी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि इसमें अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो होगा आपका इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम है, तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा देयर आर थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, एक होता है आपका स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल एंड थर्ड वन इज योर न्यूट्रल। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो वो देखने के लिए आप क्या करते हो, मैग्नेट को स्लाइटली रोटेट करते हो या डिस्प्लेस करते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैग्नेट को स्लाइटली रोटेट करेंगे, मान लो कि हमने मैग्नेट को इस तरीके से रोटेट कर दिया, तो जैसे ही हमने इसको ऐसे रोटेट करेंगे फोर्स लगेगा इधर F, इधर लगा F, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये होगा आपका F cos थीटा, ये हो गया आपका F sin थीटा, सिमिलरली इधर होगा आपका F sin थीटा और इधर होगा आपका F cos थीटा। तो अब देखो यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जैसे आपने इसको रोटेट कर दिया तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो जैसे ही टॉर्क प्रोड्यूस होगा देन ड्यू टू दिस टॉर्क और ड्यू टू दिस फोर्स F sin थीटा, नॉर्थ पोल अपने ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करेगा, साउथ पोल अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करेगा, एंड व्हेन बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन देन दैट वन इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो आपका इक्विलिब्रियम है वो क्या है, आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब देखो पोजीशन ऑफ मैग्नेट को अभी रिवर्स कर देते हैं,
अब ये साइड है आपका साउथ पोल माइनस एम, ये है आपका नॉर्थ पोल प्लस एम, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बी। तो अब इसको रोटेट करते हैं, अब इसको रोटेट करते हैं, तो ये आपका नॉर्थ सॉरी साउथ पोल है, तो साउथ पोल में फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एफ। तो यहाँ पे एफ क्या है आपका एम इंटू बी है, दैट इज पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स क्या होगा बी, अपोजिट डायरेक्शन, और इसमें क्या होगा राइट साइड। तो फिर से कंपोनेंट लो, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो ये हो गया आपका यहाँ पे एफ साइन थीटा, और ये इधर होगा आपका एफ साइन थीटा, और एफ कॉस थीटा इधर होगा, एफ कॉस थीटा इधर होगा, एफ कॉस थीटा। तो ये देखो सिर्फ एफ साइन थीटा जो फोर्स आपका परपेंडिकुलर टू मैग्नेट है, तो ड्यू टू दिस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा ये इधर मूव होगा और ये इधर मूव होगा। तो अगर मैं नॉर्थ पोल को थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, थोड़ा सा रोटेट कर दूँ, तो क्या ये और भी रोटेट हो जाएगा ड्यू टू एफ साइन थीटा। सिमिलरली ये जो साउथ पोल है और मैं इसको एट एन एंगल थीटा पे टर्न कर दूंगा, तो ड्यू टू दिस एफ साइन थीटा ये और भी टर्न हो जाएगा। तो अगर ये और भी टर्न हो गया, फर्दर अगर टर्न हो रहा है, तो वो अपना ओरिजिनल पोजिशन रीगेन नहीं करेगा। अगर ओरिजिनल पोजिशन रीगेन नहीं कर रहा है तो वो क्या है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अभी ध्यान दो कि इनिशियली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट में एंगल है क्या। अगर मैं बोलूँ ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये है आपका साउथ, ये है आपका नॉर्थ, तो जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या है साउथ से नॉर्थ के साइड में, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है ओपोजिट। अगर दोनों का डायरेक्शन ओपोजिट है तो एंगल क्या होगा, एंगल होगा आपका यहाँ पे 180 डिग्री। तो अगर एंगल एम और बी में अगर एंगल 180 है तो वो होता है अनस्टेबल, और स्टेबल कब होता है जब थीटा होता है आपका 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो व्हेन एंगल बिटवीन एम एंड बी इज 0 डिग्री योर सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड व्हेन थीटा इज 180 डिग्री देन दैट वन इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लिख लो इसे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ये होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ये हो गया आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम केस होता था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी होता था सेम यहीं पे भी होता है। तो अब देखो ये तो हो गया आपका टॉर्क पहले, अब अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे एक मैग्नेट को रख दूँ, ये हो गया आपका एक मैग्नेट दैट इज प्लस एम माइनस एम, ये हो गया आपका थीटा। तो यहाँ पे जो मैग्नेट का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज योर माइनस ऑफ एम डॉट बी, माइनस ऑफ एम डॉट बी। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होता था वो होता था आपका माइनस पी डॉट ई। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रिप्लेस बाय मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्लेस बाय मैग्नेटिक फील्ड, प्रोसेस सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा माइनस एम डॉट बी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका एक स्केलर क्वांटिटी, तो एम डॉट बी इज योर एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा। नोट डाउन क्वेश्चन, ए बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 2×10⁴ जूल पर टेस्ला, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट एनर्जी पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला एनर्जी पर मैग्नेटिक फील्ड इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए हॉरिजॉन्टल फील्ड 1×10³ टेस्ला एग्जिस्ट इन स्पेस, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम ए डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो
इनिशियल जो एंगल है यहाँ पे आपका गिवेन है वर्क डन इन रोटेटिंग द मैट्रिक्स स्लोली डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड. तो इनिशियल क्या है? पैरेलल. अगर पैरेलल है तो थीटा क्या है यहाँ पे? इनिशियल 0 डिग्री. ये हो गया आपका थीटा इनिशियल. ठीक है, तो वर्क डन, वर्क डन को हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. तो यू फाइनल, तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है आपका? माइनस पी ई कॉस थीटा. तो ये हो गया आपका माइनस, नॉट पी, पी ई होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो ये हो गया आपका माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल माइनस ऑफ माइनस एम बी कॉस थीटा इनिशियल. तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन इज इक्वल टू एम बी, कॉमन ले लो एम बी इंटू कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल. तो अब देखो इनिशियल एंगल गिवन है आपका 0 डिग्री, फाइनल है 60. तो ए फाइनल है 60 डिग्री, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम बी. तो एम बी, एम क्या है आपका? 2 × 10⁻⁴ इंटू मैग्नेटिक फील्ड 1 × 10⁻³, देन थीटा इनिशियल इज कॉस 0 माइनस कॉस 60. ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ कॉस 0, कॉस 0 होता है आपका 1, कॉस 60 1/2, तो 1/2 2 कैंसिल, आंसर होगा यहाँ पे 10⁻⁷ एंड यूनिट इज जूल. वर्डन का यूनिट होता है जूल. नेक्स्ट सिमिलरली बी, बी के लिए भी सेम, इसको मल्टीप्लाई कर दो एम बी, तो ये होगा आपका 2 × 10⁻⁷ नाउ कॉस, इनिशियली कॉस 0 माइनस कॉस 90, सेकेंड एंगल है कॉस 90 है, तो ये होगा कॉस 90 इज 0, कॉस 90 0, तो कॉस 0 1 × 2 × 10⁻⁷, तो आंसर होगा आपका 2 × 10⁻⁷ जूल. सो थर्ड वन सी, तो ये हो गया आपका 2 × 10⁻⁷ एंगल कॉस 0 माइनस कॉस 180. तो कॉस 0 होता है आपका 1, ये होता है माइनस 1, 1 माइनस 1 2, तो 2 × 2 × 10⁻⁷ दैट इज 4 × 10⁻⁷ जूल. ये हो गया आपका आंसर. नोट डाउन.